हेलो फ्रेंड्स, सिनेवंशी परिवार की तरफ से मैं अभिनव शेट्टी आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मैं दुआ करता हूं कि नया साल आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। पिछले साल 2023 को बॉलीवुड के लिए सबसे फ़ायदेमंद साल माना जाता है। पठान, जवान, गदर 2, ओ माय गॉड 2 और एनिमल जैसी फिल्मों ने बॉलीवुड को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। 2024 का साल भी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन फिल्मों के बारे में जो 2024 में काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, मगर शुरुआत करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस लिस्ट की पहली फिल्म है कल की 2898 AD। करीब 600 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी ये फिल्म काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। इस फिल्म में बेहतरीन एक्टर्स की फौज है। प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन, दुलकर सलमान, पुष्पपति और शाश्वता चैटर्जी, यानी कि कहानी के बॉब बिस्वास। ये फिल्म एपिक साइंस फिक्शन डिस्टोपियन जॉनर की होगी। ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये फिल्म कल्कि पुराण और स्टार वॉर्स का मिश्रण होगा। इस फिल्म के लिए मैं तो खासा एक्साइटेड हूँ। अब देखना होगा ये मैग्नम ओपस पर्दे पर क्या जलवा बिखेरेगी। नंबर 2 पर है फिल्म फाइटर। बतौर सिने प्रेमी मुझे ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण को एक साथ देखने की इच्छा काफ़ी समय से थी और ये इच्छा अब फाइनली पूरी हो रही है। इस फिल्म में ऋतिक और दीपिका के अलावा अनिल कपूर भी एक अहम रोल में नजर आएंगे। अब देखना ये होगा कि सिद्धार्थ आनंद अपने पिटारे में से और क्या बेहतरीन फिल्म लेके आ रहे हैं। ये फिल्म इस साल रिपब्लिक डे पर रिलीज होगी। नंबर 3 पर है मैरी क्रिसमस। इस फिल्म में एक बहुत ही अनकन्वेंशनल जोड़ी पहली बार स्क्रीन पर नजर आएगी, विजय सेतुपति और कटरीना कैफ। मुझे तो इस फिल्म के प्रोमोज काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। साथ ही इस फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट में नजर आएंगे राधिका आप्टे, संजय कपूर और विनय पाठक। इस फिल्म का डायरेक्शन की कमान संभाली है श्रीराम राघवन ने। इस फिल्म को बनाया है तौरानी ब्रदर्स ने। अब देखना ये होगा कि मैरी क्रिसमस कैसी फिल्म होगी। नंबर 4 पर है रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की अगली पेशकश सिंघम 3। अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार के बाद इस बार रोहित शेट्टी की पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं दो नए ऑफिसर्स। एक तरफ है दीपिका पादुकोण जो फिल्म में शक्ति शेट्टी के रोल में नजर आएंगी, तो दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ ACP की सत्या के रोल में नजर आएंगे। पिछले साल ही जब दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सिंघम 3 का लुक रिवील किया था तो उसे देख के मैं काफ़ी एक्साइट हुआ था। मुझे लग रहा है कि दीपिका पादुकोण का रोल एकदम जॉली गुड पुलिस वाली का होगा, जस्ट लाइक हर हस्बैंड डिड इन फिल्म कॉल सिम्बा। अब देखना होगा कि रोहित शेट्टी की सिंघम 3 क्या जलवा दिखाएगी। रोहित शेट्टी के बाद अब बढ़ते हैं दूसरे शेट्टी की ओर, और वो दूसरे शेट्टी हैं ऋषभ शेट्टी। पिछले महीने आई कांतारा चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी का ये लुक चर्चा का केंद्र बना रहा। कुछ का ये मानना है कि इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी भगवान परशुराम के किरदार में निभा रहे हैं, तो कुछ लोगों की कुछ दूसरी थ्योरी है। ये फिल्म कडम्बा डायनेस्टी के ऊपर आधारित होगी। देखना दिलचस्प होगा कि कांतारा चैप्टर 1 कांतारा का जादू रिक्रिएट करने में सफल होगी या नहीं। नंबर 6 पर है इंडियन 2। 1996 में आई इंडियन आज भी ही उतनी रेलेवेंट लगती है जितना कि आज से करीब 28 साल पहले। इंडियन 2 इंडियन फिल्म की सीक्वल होगी। इस फिल्म में कमल हासन नजर आएंगे। एस शंकर अपनी दमदार कहानियों को लार्जर देन लाइफ वे में प्रेजेंट करने के लिए फेमस है। आप उनकी कोई भी फिल्म उठा के देख लें, इंडियन, नायक, अपरिचित, शिवाजी द बॉस या रोबोट, उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों में से एक है। अब देखना होगा कि इंडियन 2 से वो क्या धमाका करेंगे सिल्वर स्क्रीन पर। नंबर 7 पर जिस फिल्म को मैंने जगह दी है वो है मिस्टर एंड मिसेस माही।
ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन और जी स्टूडियो साथ में बना रहे हैं। इस फिल्म में डायरेक्शन की कमान संभाली है डायरेक्टर शरण शर्मा ने। फिल्म में दूसरी बार राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर की जोड़ी नजर आने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा मिस्टर एंड मिसेस माही क्या फिल्म होगी। नंबर 8 पर है अनुराग बासु की मेट्रो इन दिनों। ये फिल्म उनकी 2007 में आई लाइफ इन अ मेट्रो की सीक्वल होगी। इस फिल्म में भी बेहतरीन एक्टर्स नजर आने वाले हैं, आदित्य रॉय कपूर, फातिमा सना शेख, अनुपम खेर, कोंकणा सेन शर्मा और पंकज त्रिपाठी। साथ ही फिल्म में सारा अली खान भी दिखाई देने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अनुराग बासु इस बार पर्दे पर क्या कमाल कर दिखाएंगे। नंबर 9 पर है स्त्री 2। साल 2018 में आई अमर कौशिक की फिल्म स्त्री ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस फिल्म की सक्सेस ने सभी को चौंका दिया था। हॉरर कॉमेडी पर बनी स्त्री ने अपनी बेहतरीन कहानी, एक्टर्स के बढ़िया परफॉर्मेंसेस और अपने एज ऑफ द सीट थ्रिलिंग मोमेंट से दर्शकों के दिलों में छा गई थी स्त्री 1। अब स्त्री 2 कैसी होगी ये देखना दिलचस्प होगा। पिछली फिल्म के कास्ट को इस फिल्म में रिपीट किया गया है। देखना पड़ेगा कि स्त्री 2 में क्या मज़ेदार दिखने वाला है। आई एम तो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट फिल्म। नंबर 10 पर है पंकज त्रिपाठी की मैं अटल हूँ। ये फिल्म भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक होगी। कई सारे फिल्म एक्सपर्ट्स का मानना है कि पंकज त्रिपाठी का जो परफॉर्मेंस प्रोमो में दिखाया गया वो बेहद एवरेज है, वो मिमिक्री ज़्यादा कर रहे हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे तो पहली बात तो उनकी कास्टिंग बैंग ऑन लगी। हाँ, मैं इस बात पे एग्री करूँगा कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा वो मिमिक्री करते हुए ज़्यादा नज़र आए। एनीवे, फिल्म का डायरेक्शन क्या है रवि जाधव है, जिन्होंने इससे पहले जियो सिनेमा के लिए ताली फिल्म बनाई थी जिसमें सुष्मिता सेन ने ट्रांसजेंडर का किरदार निभाया। मैं अटल हूँ कितनी बेहतरीन होगी इसका फैसला तो 19 जनवरी 2024 को होगा। ये था मेरा वीडियो 2024 की प्रॉमिसिंग फिल्म्स के ऊपर। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक्स। अगर आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर टच में आना चाहते हैं तो ये रहा मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर और बी सेफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और मिलते हैं सिनेवंशी के नए एपिसोड में।